बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन शुरू हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी जानेंगे कि इंटर का एडमिशन ऑनलाइन कैसे करेंगे। चलिए ऑनलाइन करने के लिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद पहले अपने कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे ओ एफ एफ एस। इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह की वेबसाइट खुलेगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे देख सकते हैं यहाँ सी ए एफ ऑफ एडमिशन, इस पर क्लिक करेंगे। सी ए ऑफ एडमिशन इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना गाइडलाइन को पढ़ लेंगे। पढ़कर यहाँ पर टिक लगाकर क्लिक हियर टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज खुलेगा देख सकते हैं। यहाँ पर अपना नेम ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ पर चूज कर लेंगे। अपना जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो चूज कर लेने के बाद यहाँ पर ईयर पासिंग, आप स्कूल से कब पास किए हैं, और एग्जाम टाइप एनुअल है तो एनुअल करें, कंपार्टमेंटल दिए तो कंपार्टमेंटल करेंगे। यहाँ से अपना रोल कोड डाल देंगे स्कूल का, और रोल नंबर को डालेंगे। जैसे आपका नाम और फादर्स नेम मदर्स नेम आ जाएगा, और कितना नंबर लाए वो भी आ जाएगा देख सकते हैं। आपका नाम और फादर्स नेम आ चुका है। यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ का डाल देंगे देख सकते हैं। यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ को डाल देंगे। चलिए हम अपना डेट ऑफ बर्थ को डालते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ का डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ को डाल देने के बाद यहाँ से अपना फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। यहीं से अपना फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। चलिए हम अपना फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं। चलिए देख सकते हैं हमारा फ़ोटो अपलोड हो चुका है। हमारा फ़ोटो अपलोड हो चुका है। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे। स्कूल यहाँ पर एड्रेस ऑफ स्कूल कहाँ स्कूल है वो उसका एड्रेस दे देंगे। स्कूल का एड्रेस दे देंगे। और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग आप स्कूल में कब ज्वाइन किए थे वो डाल दें, और जब लिविंग फ्रॉम स्कूल कब निकले थे वो डाल दें। यहाँ से अपना पर्सनल डिटेल चूज कर लेंगे। जेंडर, मातृभाषा, नेशनली इंडियन, रिलेशन, धर्म, यहाँ से ब्लड ग्रुप को छोड़ देंगे। यहाँ से अपना एड्रेस को डाल देंगे। चलिए हम अपना एड्रेस को डाल देते हैं। एड्रेस को डालकर अपना मोबाइल नंबर को डालेंगे। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को डाल देंगे। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को डालेंगे। उसके बाद अपना आधार नंबर को डालेंगे। चलिए हम अपना आधार नंबर को डालते हैं। आधार नंबर को डालने के बाद यहाँ पर आई हर्पी इस पर क्लिक करेंगे। आई हर्पी यहाँ से आई एग्री कर देंगे। यहाँ से टिक लगा देंगे। आधार नंबर को डालने के बाद यहाँ से टिक लगा देंगे देख सकते हैं। टिक लगाने के बाद यहाँ से अपना कैटेगरी को चूज कर लेंगे। चलिए कैटेगरी को चूज करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दिव्यांग है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। यहाँ सी डब्ल्यू एस देना चाहते हैं तो यस करें, नो है तो नो करें। यहाँ से अपना स्कूल को चूज कर लेंगे, और यहाँ से आप 10 से 20 कॉलेज ही चूज कर सकते हैं। चलिए हम अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट को चूज करने के बाद अपना कॉलेज को चूज कर लेंगे। अपना कॉलेज को चूज करने के बाद स्ट्रीम को चूज कर लेंगे, आर्ट्स है साइंस है। तो चलिए हम यहाँ पर यस करके आई टू कॉलेज पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं हमारा एक कॉलेज चूज हो चुका है। इसी प्रकार से अपना कॉलेज को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद ऐड कॉलेज पर क्लिक करेंगे तो आपका कॉलेज ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से 10 कॉलेज को ऐड करने के बाद यहाँ से आप नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ से दोनों पर टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद आवेदन शुल्क 350 रुपया जमा करें हेतु करने हेतु इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह का भराया है। देख लेने के बाद यहाँ से कंफर्म कर देंगे।
सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका एक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा और ईमेल पर भी जाएगा। ईमेल और मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को एंटर करेंगे। ओटीपी को एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। चलिए ओटीपी को एंटर करें, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो कॉन्ग्रेचुलेशन देख सकते हैं। यहाँ से अपना पेमेंट को कटाएँ, अपना पेमेंट मोड को चूज कर लेंगे। पेमेंट ऑप्शन को चूज कर लेंगे बाद प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। प्रोसेस फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना पेमेंट को कटा लेंगे। यहाँ से आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड और पेटीएम रुपये डेबिट कार्ड जिसे नेट बैंकिंग इसे कटाना चाहते हैं। चलिए हम अपना डेबिट कार्ड से कटाते हैं, इसमें अपना सिम डाल के देख सकते हैं हमारा पेमेंट कट चुका है। ऐसे ही जुड़ी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।